सबसे पहले तो ये जो फिल्म बन रही है बहुत ज़्यादा धार्मिक फिल्म है, और यू नो फैमिली इस फिल्म को बहुत बहुत कनेक्ट करेगी, बिकॉज़ ये फैमिली फिल्म है, और राम मीन्स हम यू नो हिंदुज़म, तो वही मैं कहना चाहूँगी कि इस फिल्म में जो खेसारी सर का कैरेक्टर है बहुत लाजवाब है, और इस फिल्म में जो चीज़ें हम दिखा रहे हैं जो लोगों को कनेक्ट कर सकती है, जो माँ बाप को कनेक्ट करती है, बच्चों को कनेक्ट करती है, परिवार को कनेक्ट करती है, वो चीज़ें हम इस फिल्म में दिखा रहे हैं, तो आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा। किरदार की बात करें, कितना डिफरेंट रोल होगा, खेसारी जी के साथ कैसे ट्यूनिंग जमने वाली है आपके? बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है, बिकॉज़ मैं बहुत चुलबुली हूँ और मेरा कैरेक्टर भी बहुत चुलबुला सा है, लेकिन जो चुलबुलेपन में जो सीरियस मोड है, रोमांटिक मोड है, वो आप देखने को मिलेगा। बाकी अगर मैं पूरा बताऊंगी तो फिर फिल्म कैसे देखेंगे आप? खेसारी जी के बारे में क्या कहना चाहिए? संघर्ष टून की ब्लॉकबस्टर चौथी हफ्ते में जा रही है, एक मूवी और कर चुके भी कर रही हैं, गाने भी उनके आ रहे हैं, जी क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी फिल्म है संघर्ष, आप सभी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने देखी है और मेरे रिव्यूज़ हैं वाओ, क्योंकि इतनी प्यारी फिल्म, इतनी बड़े लेवल की फिल्म, और सब क्या कमाल के लग रहे हैं, खेसारी सर से लेके पूरी टीम, जितने भी आर्टिस्ट हैं सब मेगा श्री हो गई, बहुत प्यारे लग रहे हैं सभी, और बहुत अच्छे से मेहनत किया है सबने, और बहुत निखर के आई है वो फिल्म, टचवुड की वो फिफ्थ वीक में भी लगे। खेसारी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनके साथ बैक बैक फिल्में कर रही हैं, गाने भी कर रही हैं। खेसारी जी तो क्या ही कहूँ, या वो उनका बहुत खास बात है कि वो जितने भी आर्टिस्ट उनको लगता है ना कि इनको प्रमोट करना चाहिए या इनमें कोई बात है जो कि पर्दे पे दिखती है, वो उनको सपोर्ट करते हैं, तो खेसारी जी में ये बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है, और वो ना सारे आर्टिस्ट को ना बहुत निखार के पेश करते हैं, तो बस वही वो यू नो मुझे भी समझाते हैं कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। डायरेक्टर साहब पराग पाटिल जी, क्या कहना चाहेंगे उनके निर्देशन में काम करना? बहुत कमाल लग रहा है, क्योंकि यू नो डायरेक्टर से सीखने को मिलता है बहुत कुछ, बिकॉज उनका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और होता है सिनेमा को लेके, और हम लोग एक यू नो शिक्षक बोलते हैं ना, स्टूडेंट है, तो मैं लर्न कर रही हूँ, और आई होप कि मुझे ये जो मैं लर्न कर रही हूँ आगे मेरे काम आएगा। जी बात करें जो बैनर वाइप टेक्नीशियन फिल्म फैक्ट्री, नहीं जी टेक्नीशियन की फिल्म है और टेक्नीशियन के बैनर तले बन रही है, जी क्या कहना चाहेंगे? इसके जो प्रोड्यूसर्स हैं RR प्रिंस जी, सुबोध यादव जी, जी पराग पाटिल जी, और खेसारी जी का फुल सपोर्ट मिल रहा है इस मूवी के अच्छी बनाने में, जी क्या कहना चाहेंगे? अरे ऑफ कोर्स बहुत प्यारी फिल्म ये बन रही है, और इतनी मेहनत लग रही है इस फिल्म में, तो प्रोड्यूसर्स जब होते हैं सेट पे तो वो एकदम यू नो परिवार वाला माहौल है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि यू नो किसी बहुत बड़े हम सेट पे हैं, कोई बहुत बड़ा स्टार है या बहुत बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, तो ऐसा लग ही नहीं रहा है, बहुत परिवार वाला माहौल है, तो ये यू नो एक जोड़ने में बहुत वो रहता है, योगदान रहता है प्रोड्यूसर सर का। टेक्नीशियन भी है, प्रोड्यूसर भी जी है, जी टेक्नीशियन भी है, प्रोड्यूसर भी है, तो उनके साथ ट्यूनिंग कुछ और है। जी लोकेशन बड़ा महंगा दिखा भी जिसे हम लोग देख रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? बहुत साल पुरानी, सैकड़ों साल पुरानी हाँ, हवेली लग रही है। ये बहुत प्यारा है, क्योंकि मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ इस लोकेशन पे, गोरखपुर में पहले भी आई थी एक बार, लेकिन इतना एक्सप्लोर करने को नहीं मिला था, लेकिन जब अभी एक्सप्लोर हो रहा है तो बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं यहाँ पे, बहुत प्यारे प्यारे लोग भी बहुत प्यारे हैं, और ये जो सेट आप देख रहे हो, जो अभी दिखेगा आपको सेट, वो भी बहुत प्यारा सेट है, क्योंकि अभी इसका इतना हिस्ट्री मुझे मालूम नहीं है, लेकिन सेट बहुत प्यारा है। अभी जैसे कुछ सीन शूट हो रहा था, आप और खेसारी जी कुछ लोगों को गाइड कर रहे हैं ऐसा ऐसा एक्ट करिए, फिर खेसारी जी कर रहे हैं, फिर आप आके सपोर्ट करती हैं, ऐसा कुछ नहीं, क्या कहना, क्या सीन था, सिचुएशन बताना चाहेंगे कुछ? नहीं सॉरी ये नहीं बताएंगे हम, अगर ये बता दिया तो फिल्म में मजा ही क्या रहेगा, यही तो मेन वाला सीन है। जी जी तो कितना मस्ती मजाक हो रहा है खेसारी जी, आप और बाकी जो ओल्ड कैरेक्टर कह सकते हैं, सब सीनियर सिटीजन है, कहीं ना कहीं सीनियर एक्टर एक्टर भी हैं बड़ी बड़ी फिल्में के, उनके बीच में आप और खेसारी जी किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? मेरा यही मानना रहता है, जितने सीनियर आर्टिस्ट के साथ आप काम करते हो ना, तो उनका एक्सपीरियंस आप लेते हो, तो मेरे लिए यहाँ एक्सपीरियंस बहुत हो रहा है, बिकॉज़ जितने भी यू नो मेरे से बहुत बड़े हैं, खेसारी सर भी मुझसे बड़े हैं, और जितने भी आर्टिस्ट हैं वो बहुत सीनियर हैं, हम मुझसे बहुत सीनियर है, तो मुझे ना उनसे सीखने को और उनसे ज्ञान बहुत मिलता है, तो ये बहुत ऐसा फैमिली वाला माहौल है यहाँ पे,
तो राजा राम को लेकर दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? ये फिल्म जरूर देखिए और इसको बहुत सारा प्यार दे, और यू नो राम कैरेक्टर बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, और इस कैरेक्टर को निभाने के लिए खेसारी जी बहुत मेहनत किए हैं, और इस मेहनत का फल उन्हें ज़रूर मिलना चाहिए, और आप सबको भी मिलना चाहिए और हम सबको भी दे देना थोड़ा थोड़ा प्यार जी। थैंक यू सो मच।